ढोलैया में बुलानी अरे बेटंगी दुनिया बोला ढोलैया में बुलानी अरे बेटंगी दुनिया बोला ढोलैया में बुलानी बोला ढोलैया में बुलानी अरे बेटंगी दुनिया मन बने जा द्वारे ठाड़े रोटी नहीं पूछैया मन भने जा द्वारे ठाड़े रोटी नहीं पूछैया जो सुन ले भी आई गई साली जो सुन ले भी आई गई सारी जटई धरी करैया बाप को पानी न देवे मर गए काग खवावे माँ बाप घर में जिंदा बैठे और शंकर जी पे लोटा लेके जा रहे ले बोले बाबा पानी पी लो लेकिन ध्यान रखना घर में अगर माँ बाप दुखी है तो भगवान सुखी कभी नहीं हो सकता अरे पूजा करनी है तो उनकी करो जिन्होंने 9 महीने तक पेट में रखा जिन्होंने अंगुली पकड़ के चलना सिखाया वो तो बाद की चीज है अपनी श्रद्धा है कैसे पूजा करते हैं क्योंकि कहते हैं ना अच्छा एक बात बताओ कौन कौन सी माता बहन है जो सुबह उठ करके अपने सास और ससुर के पैर छूती हाथ ऊपर करना अरे पति बताओ एक भी नहीं है त्योहार को तो छूती हो साल सनू ने भाई हाथ ऊपर करो तुम का आश्रय तुम बताओ कौन कौन से हैं जो अपने माता पिता के सुबह पैर छूते हाथ ऊपर करियो हैं मतलब खाना सामने रखो है खाओगे नहीं तब तक पेट में पहुंच जाएगा हाथ ऊपर करो कौन कौन पैर छूते हैं अच्छा है एक दो है अच्छा बताओ रोज नहीं त्योहार पर कौन कौन छूता है सरव करो कछू झूठी तो नहीं कह रही देखो ये तो बातें हैं लेकिन महाराज भागवत सुनने का असली मतलब यही है कि घर में सुख शांति बना के चलो जो पत्नी अपने पति से कलह करती है उस घर में लक्ष्मी कभी निवास नहीं करती है और जिस घर में औरत की इज्जत नहीं होती है महाराज उस घर का सत्यानाश क्लियर है क्योंकि घर की औरत लक्ष्मी होती है और माताएं पति कितना भी कमाओ हो रोज 10 लाख कमाए लेकिन पत्नी अगर चटोरी आए तो वो हिलने लगे वालो नहीं है तो यही कहेंगे कि पहले सास ससुर की पूजा जाते पड़े के धर्म ना दूजा पति की भी पूजा बाद में करें पहले सास ससुर की पूजा करें जिन्होंने जीवन का साथी दिया है श्याम बोले अरे बेटंगी दुनिया भूला भुलैया में बोलानी भूला भुलैया में बोलानी आई बेटंगी दुनिया जिए तो बाप को पानी न देवे मर गए काल भवाने जिए तो बाप को पानी न देवे मर गए काल भवाने लेके आड़ा जाए गंगा लेके आड़ा जाए गंगा में हर के चढ़ावे अरे बेटा भूला भुलैया में ध्यान रखना मान बने जा द्वारे ढाड़े रोटी नहीं पूछैया और जो सुन ले भी आएगी सारी जट्टे